सत श्री अकाल जी सारे आयस का भाग सोलवा लेके हाजिर है। अज इस भाग में असं स्पीकिंग पार्ट थर्ड जो करांगे जी वो क्वेश्चन आंसर करांगे जी। थर्ड पार्ट है जो स्पीकिंग का सैकंड पार्ट के उपर बेस होंगे है, यानी कि सैकंड पार्ट के जो भी क्यू कार्ड आता है वो रिलेटिड ही थर्ड पार्ट के पांच या छह क्वेश्चन है जोड़े वो पूछे जाते हैं। सो शुरू कर दें। पिछली वीडियो दे विच आपां देखिया सीगा कि आपां नूं जिहड़ा क्यू कार्ड आया सी तां उह रिलेटड सीगा कि तुसीं कोई इहो जी जगह दसो जिथे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो उत्थे किहड़ी तरह का प्रदूषण है, वह जगह कित्थे है तो उह प्रदूषण नाल जगह किन्नी अफैक्ट हुई हुई है। सो उहदे रिलेटड ही उस क्यू कार्ड दे रिलेटड ही जिहड़ा पार्ट थर्ड आउंदा जी उहदे विच पंज तों छे क्वेश्चन है जिहड़े थर्ड पार्ट दे विच पुछे जांदे हन। सो जिहड़े थर्ड पार्ट दे विच जिहड़े क्वेश्चन पुछे जांदे जी उन्हां दे विच तुसीं थोड़ा जिहा डीप डाउन जाणा हुंदा, यानी कि पंज जां छे सेंटेंस दे विच जिहड़ा उन्हां दा आंसर देना हुंदा अपने व्यू देने हुंदे ते एग्जांपलां देणियां जरूरी हुंदियां ने। सो शुरू कर दे। क्वेश्चन पहला, वट काइंड ऑफ पोल्यूशन आर देयर इन यूर कंट्री प्लेस टाउन या होम टाउन। तो यह पुछदे कि सोडे देश दे विच जे जिथे तुसीं रहिंदे हो टाउन है होम टाउन है उत्थे किहड़ी तरह दे प्रदूषण है, तां इहदा आंसर ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ 에ਅਰ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ। ਦੀ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ 에ਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਹੀਕਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ। मेन रीजन बिहाइंड द नॉइस पोल्यूशन इज, तो नॉइस पोल्यूशन के मगर जो कारण है जी वो कारण है कि पॉपुलेशन जनसंख्या फैक्ट्रीज एंड वहीकल्स ऑन द रोड, फैक्ट्रिया के साधन है जो सड़कों के उपर है। सो इस तरह का जो आंसर है तुम चार तो पांच सेंटेंस का जो आंसर है डीप डाउन सेंटेंस विद एग्जाम्पल है जी वो तुम देना है। सो ये दूजा क्वेश्चन आ गया जी, वट कैन इंडिविजुअल डू टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, कि इकला बंदा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने लिए की कर सकता। सो इहदा आंसर दे सकदे तुसीं, वैल इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट ए लॉट टूवर्ड्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि इकला बंदा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। ए सिंगल ह्यूमन बीइंग कैन ग्रो एज मैनी ट्रीज एज ही और शी वांट्स, मतलब जिन्हें चाहे जिहड़ा इक सिंगल बंदा जो दरखत उगा सकता है। ए सिंगल सिटीजन कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय वॉक और यूजिंग एन इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट लाइक बाइसाइकल, एक सिंगल बंदा जो एयर पोल्यूशन किए घटा सकता है जो तुर के जाए जो इको फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्ट है जो बाइसाइकल है उन्होंने यूज करके भी प्रदूषण घटा सकता है। द यूज ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिड्यूस्ड बाय एट एन इंडिविजुअल लेवल विच कैन बी ए ह्यूज स्टैप टू सेव नेचर, प्लास्टिक का यूज जिहड़ा घटा के भी सिंगल बंदा जिहड़ा ह्यूज स्टैप लै सकदा एनवायरमेंट नूं सेव करने। सो तुसीं की इहदे विच एग्जांपल देणियां जिहड़ियां हुंदियां ने, इक तां इहनूं डीप डाउन चार जां पंज सेंटेंस दे विच दसणा ते इहदे विच एग्जांपल देणियां बहुत ज्यादा जरूरी हुंदियां ने। अगे तीजा क्वेश्चन देखदे, डू यू थिंक इंडिविजुअल शुड बी रिस्पोंसिबल फॉर पोल्यूशन, तुसीं इह सोचदे हो कल्ला बंदा प्रदूषण लई रिस्पोंसिबल है? यस। तो ये उन्होंने की मंगया, तो ओपीनियन मंगया जिद यस या नो कहना होंगे, एग्री या डिसएग्री होना होंगे, तो ओपीनियन का आंसर तुम कि दोगे यस एवरी वन इज रिसपोंसीबल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन, हाँ हरेक बंदा रिसपोंसीबल है अलग अलग तरह के प्रदूषण पैदा करने। ए सिंगल सिटीजन इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन बाय यूजिंग वहीकल्स, कला बंदा बहुत सारे वहीकल यूज करके एयर जो शोर प्रदूषण है वो पैदा कर रहे हैं। एंड इंडिविजुअल यूजिंग लॉट्स ऑफ प्लास्टिक विच आलसो क्रिएट्स एयर पोल्यूशन, यानी कि एक बंदा जो प्लास्टिक यूज कर रहा है वह भी बहुत सारा एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। फिर एंड तो ये एग्जाम्पल देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स से दैट ए सिंगल ह्यूमन क्रिएट्स 5 to 10 kg गार्बेज एवरी ईयर, तो एनवायरमेंट दिपोर्ट कह रही है कि हरेक साल हरेक बंदा 5 to 10 kg तक गार्बेज है जो साल क्रिएट करता है। सो ये फैक्ट्स होना एग्जाम्पल होनी तो जिते ओपीनियन पूछा जाए उन्होंने ओपीनियन देना तो इन प्रॉपरली तुम आंसर कर सकते। अगे उन्होंने पूछा जी क्वेश्चन, वाई इज देयर ए नीड टू इनवॉल्व द गवर्नमेंट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सो जिथे वाई आ गए क्यों आ गए, आंसर बिकॉज के ना ही होंगे ज्यादातर। सो दिस इज बिकॉज गवर्नमेंट कैन प्ले ए की रोल
टू सेव द एनवायरमेंट जिहड़ा गवर्नमेंट है जो महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। फिर ये एग्जाम्पल देनी है असीं मेन, तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कैन मेक स्ट्रिक्ट लॉज विच आर एप्लीकेबल टू एवरी वन इन ऑर्डर टू सेव द नेचर, यानी कि गवर्नमेंट है जी एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बना सकती जिसे सारे पर लागू होंगे। एंड आई थिंक स्ट्रिक्ट लॉ ऑलवेज क्रिएट ह्यूज इंपैक्ट बिकॉज पीपल हैव अफ्रेड ऑफ पेनल्टी, तो जो स्ट्रिक्ट लॉ है जी वो ज्यादा इंपैक्ट क्यों क्रिएट करते क्योंकि पेनल्टी का सजा का डर होंगे जुर्माने का डर होंगे जिदे करके जो कि होंगे ह्यूज इंपैक्ट वह क्रिएट होंगे। सो गवर्नमेंट की इस करके एनवायरमेंट को सेव करने के जरूरत है। सो एग्जाम्पल देनी इतने एक तक जो पार्ट थर्ड है जी वो जो एक चार या पांच सेंटेंस आंसर देने, तो जो ओपीनियन मंग रहे तो ओपीनियन देने, जो वाई का आंसर मंग रहे तो वाई का आंसर देने, एग्जाम्पल जरूर देनी है हरेक। अगे है वट यू आर गोइंग टू सेव द एनवायरमेंट, एक परसनल क्वेश्चन है तुम की कर रहे हो, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग एनवायरमेंट इज एवरी वन रिस्पोंसिबिलिटी, तो भी मैं सोचना कि जो एनवायरमेंट को सेव करना हरेक की रिस्पोंसिबिलिटी है, तो तुम की कर रहे हो। आई एम डूइंग मैनी थिंग्स टू सेव द नेचर, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा कुदरत को बचाने। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देना जरूरी है, आई एम ग्रोइंग टू ट्रीज एवरी ईयर, मैं दो दरखत हरेक साल उगा, एंड आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीटली एरेडिकेट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन माई हाउस लास्ट ईयर, तो मैं पिछले साल ये डिसीजन लिया कि मैं अपने घर के जो प्लास्टिक के बैग है वो कंप्लीटली जी खत्म कर दूंगा। सो जे पार्ट थर्ड है क्वेश्चन आ गए, इन्होंने ज़्यादातर तुम चार तो पांच सेंटेंस आंसर देने, तो जो ओपीनियन कोई क्वेश्चन आता तो वह ओपीनियन के अनुसार आंसर देने। तो मेन जी चीज़ है एग्जाम्पल जरूर जिथे भी इनकलूड होंगी, वैसे तो सारे की होंगी जिथे भी एग्जाम्पल इनकलूड होंगी, थोड़ी एग्जाम्पल जेन्युइन ते रियल एग्जाम्पल जिहड़ियां वो ये इनकलूड करनी है। सो चार तो छे तक ये क्वेश्चन पूछे जाते जी। सो स्पीकिंग पार्ट जो थर्ड होंगे जो दो डिपेंड करता है, सो स्पीकिंग थर्ड के चार तो लेकर छे तक क्वेश्चन पूछे जाते जी। सो स्पीकिंग पार्ट थर्ड इतने खत्म होंगे, धन्यवाद।